की ओर से बोल रहा हूँ जो यहाँ बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना, एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। सर, मैं इससे पहले की कुछ और बातें कहूं, मेरे पास अभी वक्त है। सर, इस कोरोना को मैं भी मानता हूं, मेरे पूर्व के वक्ता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए। सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें नए नए कानून की हो रही है, राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंत नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए। किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का, करना नहीं चाहता। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए। अभी तो हमारे लीडर ऑफ हाउस नहीं है, नए नए बने हैं, उनसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया। इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहे हैं, तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर? एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था, उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो डेढ़ महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव, तुम्हारी नाव, मेरा काल, तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सर बस एक मिनट और लूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था, सर एक खत मैंने मृतात्माओं के नाम लिखा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, बेबसी।